आज हम बनाएंगे दही के सोले। 7 से 8 ब्रेड ले लिए हैं, इसको साइड से ब्राउन वाला पार्ट हटा लेंगे चाकू के मदद से। ब्रेड का साइड वाला काट के रेडी कर लिए हैं। अब एक बॉल लेंगे, बॉल ले लिए हैं, इसमें डालेंगे आंकर। दही को पतला सूती कपड़ा में 4 से 5 घंटा तक टांग के इसको रख दिए थे, इसका सारा पानी निकल गया है। एक कटोरी के लगभग आंकर देंगे, इसमें डालेंगे एक कटोरी के लगभग ग्रेट किया हुआ पनीर, फाइन चॉप किया हुआ हरी मिर्ची 1 टेबल स्पून, फाइन चॉप किया हुआ अदरक 1 टेबल स्पून, फाइन चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून, शिमला मिर्च करीब हाफ कटोरी, गाजर को भी फाइन चॉप कर लिए हैं, इसमें डालेंगे हरा धनिया 1 टेबल स्पून, काला नमक 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चकला ले लिए हैं रख के बेलने के लिए। ब्रेड का एक पीस लिए हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे। स्टफिंग भरेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ब्रेड के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। उसके बाद इस तरह का पॉलीथीन लेंगे, रखेंगे पॉलीथीन के ऊपर इस तरह से। उसके बाद इसको पॉलीथीन से ही इसको रोल करेंगे, इसको दोनों साइड से इस तरह से प्रेस कर देंगे। बनके रेडी हो गया। इसी तरह से सारा बना लेंगे। सारा बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसको 10 मिनट फ्रिज में सेट होने रख देंगे। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे, जितना ज़रूरत हो उतना छान के खा सकते हैं या इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब खाना हो तब तल के खा सकते हैं। कढ़ाई डाल लिए हैं, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तेल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे एक एक करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से तल लेंगे। ये बन के रेडी हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे निकालेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। इसी तरह से सारा तल के निकाल लेंगे। बनके तैयार हो गया दही के सोले। इसका प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेट ली, इसमें टमाटो सॉस डाल दिए हैं। इसमें एक-एक करके डाल देंगे, इसको साइड कर देंगे। बनके रेडी हो गया दही के सोले। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।